आपको लेग्स का वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट साइकिल करनी है या ट्रेडमिल करना है या क्रॉस ट्रेनर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके जो थाई है, लेग्स है, थोड़े पम्प अप हो जाए। एंड दिस इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज, फ्रंट डंबल स्क्वाट्स। आपको एक प्लेट लेनी है, जितने मर्जी के जी की ले लो, आपको उसको नीचे रखना है और अपना जो पैर की जो हील होती है उसके ऊपर टिकानी है। एंड आपको जो आगे का जो नी होगा वो नीचे होगा, ठीक है। एंड आपको स्क्वाट्स करने हैं, तो मैं जो कर रही थी 20-20 के 5 किए थे या 25-25 के 4 किए थे। अगर आप बिगनर हैं तो आप 15-15 के 3 भी कर सकते हो। एंड आपके पैर कुछ ऐसे लगेंगे। एंड हम लोग आउटर लेग कर रहे हैं, तो इसका जो पेन है आपको क्वाड्स में होगा, जो हमारी आउटर वाली थाई होती है। एंड ये मैं पीछे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मैं काफ़ी आगे आ चुकी हूँ। एंड अगर आप कोई फिटनेस फ्रीक मेरी वीडियो देख रहा है एंड उसको मेरा पोस्चर गलत दिख रहा हो, तो आई एम सॉरी, बिकॉज मैं एक बिगनर हूँ तो मुझे पोस्चर का इतना पता नहीं है। बट हाँ, मैं ट्राई करती हूँ कि अपनी वेट लॉस जर्नी साथ में शेयर करूँ। और ये मेरा 3rd सेट था एंड मैंने थोड़ा सा कट भी किया है, क्योंकि मैं पूरे 25-25 दिखाती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। एंड स्क्वाट्स करना है, इसमें आपको बैठना है, इससे आपके जो बाहर के जो क्वाड्स हैं, आउटर थाई है, उसमें पेन होना शुरू हो जाएगा। एंड मैंने सारे जो सेट मारे हैं 25 के 4 मारे हैं, 20-20 के 5 मारे हैं, बिकॉज नो पेन नो गेन। इस एक्सरसाइज से मैंने पहले स्क्वाट्स मारे थे नॉर्मल, वो मैं शूट नहीं किया, सो उसको आपको पहले करना है, देन आपको फ्रंट डंबल स्क्वाट्स भी करने हैं। नाउ कम टू द सेकेंड एक्सरसाइज, लेग प्रेस। एंड ये 15-15 की 2 प्लेट है, तो 30 इधर है और 30 उधर है, तो 60 हो गए। एंड लेग प्रेस आपको करना है। एंड लेग प्रेस में ना क्या करते हैं कि आपको अपना घुटना पूरा नहीं मोड़ना। लेग प्रेस करते हो ना, कभी भी आपको पूरे अपने स्ट्रेट लेग्स नहीं करने होते, मतलब ऐसे कर सकते हो जब आपको दोबारा कोई रैप थोड़ी देर में मारना हो तब। वैसे आपको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करने होते, थोड़े से बैंड रखने होते, वरना नी की इंजरी, आपके घुटने की इंजरी होना ज़रूरी ही हो जाएगा। ज़रूरी हो जाएगा मतलब ज़रूर हो जाएगी, बोल भी कर रही हूँ। एंड आपको कभी भी अपने पैरों को सीधा नहीं करना है रैप्स मारते हुए। जैसे मैं अभी रैप्स मार रही हूँ तो मेरे हल्के से बैंड है, पूरे सीधे नहीं मारे, क्योंकि फिर आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। एंड ये पहले वाला रैप मैंने 30 का मारा था, देन मैंने फिर 30 का मारा, देन फिर मैंने सीधा 40 का मारा था, एंड मैंने आधा नहीं दिखाया। एंड या बीच बीच में अगर आपके पास है तब BCAA पी सकते हो एज अ एनर्जी ड्रिंक, या फिर आप टैंग मिला सकते हो लेमन का, जो आपको रिफ्रेश करे। मैं नॉर्मल ठंडा पानी पीती हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा एकदम से एनर्जी सी आ जाती है। एंड आपको लेग प्रेस करना है, आपको रेप्स ज़्यादा निकालनी है हमको, क्योंकि फैट लॉस करना है हमको, मसल गेन नहीं करनी है, क्योंकि जिसको मसल गेन होती है वो वेट ज़्यादा लगाता है। एंड हमको रेप्स ज़्यादा निकालनी है, तो मैं 60 kg पे ही अपनी रेप्स ज़्यादा निकाल रही हूँ। एंड मेरे जो ट्रेनर है वो ये बोलते हैं कि एक्चुअली मेरी पियर शेप बॉडी है, मेरे लेग्स मतलब लोअर बॉडी ज़्यादा हैवी है, लेग्स ज़्यादा हैवी है, तो मेरे को हफ्ते में 2 बारी लेग्स करने को होती है। बट तीन दिन के गैप में, लाइक मैं मंडे को कर लूँगी तो ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे को नहीं कर सकती हूँ, सीधा फ्राइडे को करूँ। मतलब 3 दिन का गैप रखना ज़रूरी है, ताकि हमारी जो मसल को थोड़ा काम रहे। और जिस दिन हम लेग्स की एक्सरसाइज करते हैं ना, उस दिन मैंने सुना है कहीं से कि आपको कार्ब्स थोड़े ज़्यादा खाने चाहिए, ताकि एनर्जी भी रहे। एंड प्लीज़ इग्नोर करना, लेग प्रेस के बाद ना थोड़ी हालत टाइट हो जाती है, मेरी तो हो जाती है, आपकी होती है नहीं होती प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड लेग प्रेस में भी पोजीशंस होती है, अगर आप अपना पैर थोड़ा आउटर की तरफ करोगे तो आपकी इनर थाई में इफ़ेक्ट करेगा, थोड़ा नीचे की साइड रखोगे तो आपके ग्लूट्स में काम करेगा, एंड थोड़ा ऊपर करके क्लोज रखोगे तो आपके क्वाड्स में काम करेगा। ये मैंने रिसर्च में पढ़ा है, बाकी अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। एंड मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैं कोई फिटनेस फ्रीक नहीं हूँ, तो मैं बस अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर कर रही हूँ, फैट लॉस जर्नी शेयर कर रही हूँ। एंड कुछ गलतियाँ होगी, उसके लिए माफ़ी। एंड अपने ट्रेनर से ज़रूर पूछ के वेट उठाना। एंड प्लीज़, मैंने ना, मेरी एक जिम पार्टनर है, वो हमेशा एक वेट से आगे नहीं बढ़ती है, तो अपने आप को थोड़ा पुश करो ताकि आपका वेट लॉस हो, समझ रहे हो बात को। एंड नाउ कम टू द 3rd एक्सरसाइज, दिस इज कॉल्ड लेग एक्सटेंशन। हमको अपनी आउटर थाई के लिए करनी होती है,
एंड मैं थोड़े ये ऐसे हल्के वाले मार रही थी 10 kg से, ताकि थोड़ा सही लगे। एंड आपको इस वाली मशीन में क्या करना होता है, वैसे आप बोलोगे कि ज़्यादा ही ज्ञान बांट रही है, बट जिसको नहीं पता मैं उसके लिए ज्ञान बांट रही हूँ, बाकी जिसको पता हो तो प्लीज़ मुझे ज्ञान बांटने के लिए कमेंट्स में बता देना। आपको ऊपर इसको लेके जाना होता है और नीचे बहुत आराम आराम से लेके जाना होता है। बीच में आप मेरी शक्लें भी देखोगे बनती हुई, बट जब आप आराम आराम से लेके जाओगे ना, आपको अपने पैर की वो वाली नस बिल्कुल फील होगी, बिल्कुल ट्रस्ट मी, आप करना, शक्ल बन जाती है जब वो धीरे से नीचे जाती है, मन करता है उसको वहीं छोड़ दो। मैंने इसको शुरू किया था 10 kg से 25 kg तक, मतलब 20-20 के मारे थे मैंने, 20 के 10, 20 के 15, 20 के 25 एंड 20 के 25, तो 80 मारे थे। एंड बाद में मैंने फिर 5 kg पे ही हल्का सा 20 मारा था। इसको बहुत धीरे से लेके जाओगे ना, देखो शक्लें बनती है, मेरी शक्ल तभी बन रही है जब वो नीचे जा रहे हैं। एंड दर्द भी होता है, एंड वो कहते हैं ना नो पेन नो गेन, फिंगर क्रॉस एंड प्रे करो मैं जल्दी से पतली हो जाऊँ, मतलब फिट हो जाऊँ वो। एंड लेग्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फैट जाता है, एंड जहाँ पे मैं इसको रगड़ दी ना, मुझे सीरियसली वहाँ दर्द हो रहा था। एंड मैंने इसको सारा रिकॉर्ड किया है, एंड प्लीज़ मेरे एक्सप्रेशन देख के बोलना मत कैसे ये एक्सप्रेशन दे रही है, क्योंकि ऑब्वियसली यार आप वेट उठाओगे तो आपके को पेन होगा ही, तो शक्ल तो बनती ही बनती है। एंड सामने की तरफ मिरर था, मैं उसमें देख रही थी, एंड जिम में लाइट चली गई थी। फिर आ गई, एंड ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली जो मशीन है इसमें आप उल्टा लेट के, उसको कहते हैं लेग कर्ल, और ये जो आगे वो वाला जो दिख रहा है ना आपको, इसमें आपके पीछे से काफ्स एंकल मतलब अटका के आप उसको उठाते हो, तो वो आपके हैमस्ट्रिंग के लिए ही काफ़ी अच्छा होता है। ये 2-in-1 है, मोस्ट ऑफ द जिम में अलग अलग होती है, बट ज़्यादा इफेक्टिव ये वाली मशीन होती है जो 2-in-1 होती है। जो हाई मतलब ब्रांड होते हैं ना, उनके पास ये दोनों अलग अलग मशीनें होती है, एक्सटेंशन और कर्ल वाली, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये वाली ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एंड प्लीज़ इग्नोर करना, मेरे जिम में ना एसी नहीं चलाते, क्योंकि बोलते हैं कि ज़्यादा पसीना बहाओगे तो अच्छी बात है, एसी पसीना आने नहीं देता है, तो इसलिए थोड़ा सा स्वेटी स्वेटी हो जाता है, थोड़ा सा रेस्ट टाइम। You never know, say we have the power, but there's things we touch the road. Tell them say we ready, clip them and the cut she load. She don't know, say we no regular, anything we ready for. Bet you never know, bet you never know. Nah, go take no talk, I beg no pardon, that's for sure. Bet you never know.
चलो जी, फोर्थ एक्सरसाइज पे आते हैं लंजेस। अगर आप बिगनर हो तो आप बिना वेट के लंजेस मार सकते हो, एंड मैं ये काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, मतलब तो मैं इसलिए वेट लेके कर रही हूँ, एंड मैं इसको ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि एंगल नहीं था, मेरे सामने ऑलरेडी कोई कर रहा था, मैं फ़ोन टिका नहीं सकती थी, एंड यहाँ पे ऐसे लगेगा जैसे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, बट लंजेस मैं कर रही हूँ वेट से। अगर आप बिगनर हो तो आप बिना वेट के करो एंड सपोर्ट लेके करो। इससे क्या होता है, आपके एक आपके जो फ्रंट आउटर लेग होती है उस पर, मतलब जो आपकी मसल वो खींचती है, मेरी जो खींचती है मैं वो बता रही हूँ। एंड मैं हर एक्सरसाइज से पहले ना 2 सेकंड के लिए अपने आप को मतलब कुछ समझाती हूँ ताकि रैप पूरे निकल पाए कि बहुत हो गया यार, हमको भी अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनने हैं, हमको भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक है यार मोटे लोगों को। एंड लंजेस टू बी वेरी यूनस मिसेस ज़्यादा नहीं होते, पता नहीं क्यों मैं सिर्फ 20-20 के, मतलब 40 तक मैं अच्छे मार लेती हूँ, 40 के बाद मैं 85 तक करती हूँ या 60 तक करती हूँ, आई डोंट नो मेरे से नहीं हो पाते। अगर मैं बिना वेट के करती हूँ तो चिल्ला पड़ते हैं ट्रेनर, मजाक कर रही है क्या जिम में बैठ के, यू नो एक पंप के लिए बोल देते हैं, वरना मैं तो बिना वेट के मार लूँ तो मैं तो 150 भी मार लूँ पर फायदा क्या उसका। शक्ल से आप देख ही सकते हो दर्द हो ही रहा है। एंड लास्ट एक्सरसाइज काप्स, ये जैसे हमारे काप्स होते हैं जो हेल्दी लोग होते हैं ना जैसे कि मैं, तो हमारे जो काप्स होते हैं ना वो फैले हुए होते हैं, उसको टोन्ड करने के लिए हमको ये वाली एक्सरसाइज करनी पड़ती है, इससे वो क्या शेप में आ जाते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज के बाद या अभी मैं एक पिक्चर दिखा दूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा फैटी काप्स और सही वाले काप्स कैसे होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, जब आप अपने पूरी लेग्स का वर्कआउट कर लो चाहे वो आउटर हो या इनर हो, आपको ट्रेडमिल पे 10 मिनट उल्टी वॉक करनी है जैसे मैं कर रही हूँ।